भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है ये घोषणा करते हुए कि 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हेतु भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के संगठन और चुनाव में लड़ने वाले प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन और हमारे नागरिकों तक महाराष्ट्र की विकास गाथा को पहुंचाने के लिए हम सबको प्रेरणा देने के लिए पधारेंगे। 13 अक्टूबर को संगठन के माध्यम से मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज हम घोषित करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की दो रैलियां होंगी, एक जलगांव में, एक साकोली में। 16 अक्टूबर को 3 कार्यक्रम होंगे, अकोला, पनवेल, परतूर। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है पुणे, सातारा, परली में, और 18 अक्टूबर मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन और कार्यकर्ता हर्षित हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक जनप्रतिनिधि के माथे पर विजय शिखा तिलक लगाने स्वयं आ रहे हैं, हम सबको अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये प्रदेश कर्मभूमि रहा कई महान नेताओं का, ये प्रदेश देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में प्रगति को, विकास को नए रूप में परिभाषित कर रहा है। आप सबके अनुमति से 2-3 बिंदुओं पर ही आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जिस प्रदेश में किसान संघर्षों से गुजरते थे कांग्रेस और एनसीपी के राज में, उस प्रदेश में अगर ऋण माफी की रकम देखी जाए तो पहले मात्र 4,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया किसानों का, और गत 5 वर्षों में 25,000 करोड़ की लागत से किसानों का ऋण माफ किया गया। किसान ऋण लेता ताकि लहलहाती फसल उग सके। कई किसान भाई और परिवार ऐसे जो उस फसल का बीमा करवाने का प्रयास करते, एक तरफ 15 साल के राज में सिर्फ 7,670 करोड़ का फसल बीमा किया गया, और दूसरी ओर हम पर प्रफुल्लित हैं ये कहते हुए कि 5 साल की अवधि में मात्र देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 21,950 करोड़ का फसल बीमा महाराष्ट्र के किसानों को उपलब्ध कराया गया। कृषि निवेश की दृष्टि से पहले सरकारों की संख्या मात्र 60,000 करोड़ तक सीमित थी, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों में अगर हम एक उपलब्धि गिना सकें तो ये कि कृषि निवेश में 1.5 लाख करोड़ का निवेश देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। आज जिस शहर में आप सबको संबोधित कर रही हूँ, एक वक्त ऐसा था इस शहर के इतिहास में जब बम धमाकों की हमें आदत सी पड़ गई थी। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 5 साल
भय से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त और महिला की दृष्टि से सुरक्षा युक्त मुंबई महाराष्ट्र हम सब ने देखा है। ये सब संभव हुआ है जनता के समर्थन से, संगठन के सहयोग से, और इस सरकार का अभिनंदन करते हुए आज जनता से यही अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आप सब पधारें, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से केंद्र में एक ऐतिहासिक जीत हमने उपलब्ध करवाई हमारे संगठन को, और एक बार फिर विकास का एक नया इतिहास रचने के लिए आप सबके आशीर्वाद की हमें अपेक्षा है।